सारे पाइन ट्री हैं, जितने दिख रहे हैं सारे पाइन ट्री हैं। फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं। नॉर्मली आपको बाउंड्रीज दिखती है, कंट्री की बाउंड्रीज होती है, जैसे म्यांमार इंडिया उस टाइप का, लेकिन कॉन्टिनेंट डिवाइड करने वाला पहली बार देखा। ऐसी बाउंड्री आपको कहीं नहीं मिलेगी वर्ल्ड में। रशिया के लास्ट रॉयल फैमिली को और उसके पूरे फैमिली मेंबर को एग्जीक्यूट किया गया था। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है तोर वशु एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं अभी यकतरीनबर्ग में हूँ, जो कि रशिया की फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है, और अपने काउसर्फर के घर से निकल चुका हूँ। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैं अपने काउसर्फर के घर आ चुका था, कात्या के घर। और टाइम अभी हो रहा है मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, तो मैं घर पर अकेले हूँ, बंद करके पूरा निकल चुका हूँ बाहर। और आज मैं आप लोगों को यकतरीनबर्ग सिटी घुमाने वाला, दिखाने वाला हूँ इस सिटी की स्पेशलिटी क्या है और खासियत क्या है शहर की। अभी तक मैं जितने भी जगह गया, जितने भी सिटी गया, पूरा व्लादिवोस्तोक से लेकर यकतरीनबर्ग तक, ये सारी जगह एशियन पार्ट में आता है रशिया के। अभी तक मैं रशिया के यूरोपियन पार्ट में नहीं गया हूँ। तो यकतरीनबर्ग एक ऐसी सिटी है रशिया में, जो कि आप समझ सकते हो एशिया की पहली या आखिरी सिटी है। इसके बाद यूरोप शुरू हो जाता है। इसके बाद जब मॉस्को की तरफ मैं बढ़ूंगा तो पूरा यूरोपियन पार्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक माउंटेन, उसको बोलते हैं यूरल माउंटेन्स, वो एज अ बाउंड्री उसको बोला जाता है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो ये सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके का ट्रांजिट हब है रशिया का बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ, बहुत ही प्यारा शहर है ये, आप देख सकते हो। और अपने पास के बस स्टॉप पर जाने वाला हूँ, वहाँ से मेरे को बस लेनी है। मैं आज क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, आप लोगों को मैं सारी डिटेल दूंगा अभी। तो ये मैं बस स्टॉप आ चुका हूँ, यहाँ से मेरे को बस नंबर 9 लेनी है। जो जो बस यहाँ पर रुकेगी सबका नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो बहुत ईजी है यहाँ पर भी ट्रैवल करना, कहीं से भी कहीं भी जाना। तो मैं बस आने का यहाँ से वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं आप लोगों को और बात बता देता हूँ। यकतरीनबर्ग को ना रशिया का थर्ड कैपिटल बोला जाता है, आफ्टर मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। रीजन ये है, यकतरीनबर्ग की जो इकोनॉमी है ना, वो रशिया में थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी एज अ सिटी आफ्टर मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पर माइनिंग और इंडस्ट्री का काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यकतरीनबर्ग को रशिया का थर्ड कैपिटल बोला जाता है। एज अ सिटी ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, जो रशियन इकॉनमी में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देती है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ, जो आप लोगों ने शायद नहीं जानते होंगे, नहीं देखा होगा, जो जगह तो समझ सकते हो आपकी एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है। मतलब कि आप समझ लो ये जगह यूरोप में आएगा और ये जगह एशिया में आएगा, कुछ ऐसी जगह मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ। और हाँ, मेरे जो फ्रेंड है विशाल, मैं तो यहाँ पर 2 दिन पहले आ गया था, वो कल रात में आए हैं। तो अभी मैं विशाल भाई के पास जा रहा हूँ, फिर उनको वहाँ से रिसीव करके उस मॉन्यूमेंट पे लेके जाने वाला हूँ, जो एशिया और यूरोप का बॉर्डर है। अभी मैंने उनको कुछ बताया नहीं है। मेरी बस आ गई, बस नंबर 9 लिखा हुआ है। यार, बस ने मेरे को एक लोकल वोक्जाल पे उतार दिया है, यहाँ से मेरे को बस चेंज करनी है। ये वोक्जाल है, ये मेरी बस, ये वोक्जाल, वोक्जाल लिखा हुआ है, वोक्जाल मतलब कि स्टेशन। यही सामने विशाल भाई मेरा वेट कर रहा है, मैं उनको रिसीव करने जा रहा हूँ। म्यासा खाते हुए पकड़ लिया। म्यासा कैसे भाई? यहाँ से बस नंबर 43 करनी है, पता नहीं की मिलेगी कहाँ से। लोकेशन गूगल पे यही दिखा रहा है। हाँ, लोकेशन ये दिखा रहा है गूगल पे। मेरे को ये वाला बस स्टॉप लग रहा है, अगर यहाँ से जा रही होगी तो उस पर लिखा होगा 43। हाँ, लिखा हुआ है 43 है, यही है ना। हाँ, तो ये 43 लिखा हुआ है, 43 नंबर लोग बस करनी है। चलो वेट करते हैं भाई, एकदम दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। फाइनली अपनी बस 43 आ गई, जिसका हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, लगभग 15-20 मिनट लगे हैं। बस गूगल मैप को फॉलो किया, लेकिन फाइनली सही निकला। इस बस में कहीं भी उतरो, बहुत सारे स्टॉप्स है, सिर्फ 70 रूबल्स का प्राइस है। ये बस एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होती है, इधर से स्टार्ट होती है, पूरी खाली है, तो कोई नहीं, हम लोग पहले पैसेंजर हैं। हाँ। तो हम लोग जहाँ जाने वाले हैं, लगभग 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से, और 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर 1 घंटे लगेंगे जाने में। चलो चला जाए, यार टिकट ले लिया है, 70 रूबल ही लगा, चलते हैं फिर। तो गाइस, हम लोगों को जहाँ आना था वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं,
आई थिंक आधे घंटे में पास पहुंच गई होगी भाई। कौन सी जगह है ये, मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है कुछ तो देख के यार। 20 किलोमीटर का रास्ता था, आधे घंटे में पहुंच गए। नॉर्मली यहाँ पर बस स्टॉप नहीं है, लेकिन मैंने बस ड्राइवर को बोला था, रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पर उतार दे रहे, तो उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया। तो बस स्टॉप है वो 1 किलोमीटर पहले या 1 किलोमीटर आगे है। अगर यहाँ उतारता तो 1 किलोमीटर वॉक करना पड़ता। बहुत ही अलग सी जगह है, इधर पूरा जंगल है, ये पूरा हाईवे है और इधर पूरा जंगल है। ये सारे पाइन ट्री हैं, जितने दिख रहे हैं सारे पाइन ट्री हैं। फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, तो इसका 75% एशिया में आता है और 25% यूरोप में आता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये वो मॉन्यूमेंट है, ये वो जगह है जो जगह डिवाइड करती है एशिया और यूरोप को। ये मॉन्यूमेंट आप लोग देख सकते हो, ये पार्ट एशिया का, ये पार्ट यूरोप का है। रशियन में लिखा हुआ है, ये एशिया लिखा हुआ है, ये यूरोप लिखा हुआ है। ये और ये एक्चुअली वो लाइन है जो डिवाइड करती है इस कंट्री को, इस अर्थ को दो अलग कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यहाँ देख सकते हो मैं अभी खड़ा हुआ, मेरा एक पैर एशिया में, एक पैर यूरोप में है। करने को तो यहाँ बहुत कुछ नहीं है, बस यहाँ का आप देख सकते हो, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो, फोटो वगैरह खिंचा सकते हो, लेकिन बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम ये याद रहने वाला एक्सपीरियंस है। आपका आधा पार्ट यूरोप में, आधा पार्ट एशिया में, आई थिंक शायद ऐसी कोई जगह आपको दुनिया में मिले। नॉर्मली आपको बाउंड्रीज दिखते हैं, कंट्री की बाउंड्रीज होती है, जैसे म्यांमार इंडिया उस टाइप का, लेकिन कॉन्टिनेंट डिवाइड करने वाला पहली बार देखा। ऐसी बाउंड्री आपको कहीं नहीं मिलेगी वर्ल्ड में। तो ये मॉन्यूमेंट है जो रशिया ने बनाया हुआ है इस डिवीजन को दिखाने के लिए। पता नहीं इस मॉन्यूमेंट का मतलब क्या, लेकिन ऐसा मेरे को लगता है ये राउंड शेप का, ये ग्लोब या रशिया को बताता है, और कुछ टाइप का ये डिवीजन कुछ ऐसा बना हुआ है। तो फाइनली आप लोगों ने वो यूनिक जगह देख लिया है, एशिया और यूरोप की जहाँ बाउंड्री, यहाँ डिवीजन है। भाई कैसा लगा आपकी जगह? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। मतलब मेरे को पता है, मेरे को आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी यूनिक है। मतलब अगर आप आ रहे हो तो, क्योंकि देखो कंट्रीज डिवाइड करने वाली बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन भाई कॉन्टिनेंट डिवाइड करने वाला तो हार्डली आपको यूनिक है, हार्ड मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वही वाली बात है। थैंक्स ब्रो, मज़ा आ गया। यहाँ पूरा हर तरफ बस जंगल जंगल है, देख सकते हो आप, क्योंकि ये जो रीजन है ना, इसको बोला जाता है यूरल रीजन। यहाँ पे आसपास पूरा यूरल माउंटेन्स है, जो डिवीजन है एशिया यूरोप का। मतलब ऐसा बोला जाता है, जब बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब एशिया यूरोप अलग लैंड हुआ करते थे, जब दोनों जाके मिले थे, कोलाइड किए थे, तो यूरल माउंटेन्स बना था। तो यहाँ पर ही आसपास पूरा यूरल माउंटेन का रेंज है। तो हम लोग रोड से चल के यहाँ पे जंगल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो हंसों का जोड़ा यहाँ पे है, और यहाँ पे लोगों ने ताले वगैरह लगाए हुए हैं, नीचे दिल वगैरह बना हुआ है कुछ, अपनी शायद प्यार की निशानी वगैरह दिखाने के, आई डोंट नो क्या मतलब, एग्जैक्टली नहीं पता। लोग यहाँ पे पानी भी चढ़ाए हुए हैं, पानी पी सकते हैं जिसको चाहिए तो। बाकी यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये कुछ रशियन में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। पोएट्री लग रही है भाई मेरे को, ये कुछ पोएट्री हो सकती है, मे बी पोएट्री है, और देखो नाम है किसी पोएट का, पोएट्री है, पक्का पोएट्री है, हो सकता हो। तो वापस चल रहा है यकटेरिनबर्ग सिटी, कुछ अलग सी जगह है जो बाकी सिटीज में नहीं है। आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ दिखाऊंगा, बाकी चीज़ नहीं दिखाने वाला हूँ मैं। और भाई आज वेदर बहुत बढ़िया है, वेदर तो भाई अल्टीमेट वेदर है, ना गर्मी ना धूप ना बहुत एक्सट्रीम ठंड, परफेक्ट वेदर है एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, चाहे जितना घूमो, ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी ना पसीना आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, अभी मजे आने वाले, और भी बढ़िया बढ़िया जगह दिखाते हैं यकटेरिनबर्ग सिटी में। आप एक दिन में क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। आज हम लोग का पूरा एक दिन है, जितना हो सकता पूरा कवर करूंगा। ये देखो यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड की कई पॉपुलर जगह के नाम है, सबका डिस्टेंस लिखा हुआ है, जिनोवा, बर्लिन, लंदन, पेरिस, टूरिन, अनब्बा, डिस्टेंस दिखा हुआ है। मैं अभी रशिया से ही रशिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं रशिया के एक्सट्रीम एंड व्लादिवोस्तोक से यहाँ पर आया हूँ, जो कि लगभग 7,500 किलोमीटर है, इन सारी जगह से दूर, ये सारी जगह इस जगह से पास है कम्पेयर टू व्लादिवोस्तोक। देखो नीचे अनब्बा दिया हुआ, जो कि अल्जीरिया में पड़ता है, सिर्फ 4,900 किलोमीटर। उसके ऊपर पेरिस है 4,500 किलोमीटर, लंदन लगभग 5,000 किलोमीटर। अब यहाँ से वापस यकटेरिनबर्ग सिटी जाना जो लगभग 20 किलोमीटर है, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है यहाँ से जाना। हाईवे के बीच में हो गए ना, हाईवे के बीच में है, तो पास से स्टॉप जाना पड़ेगा, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर है, वहाँ से बस करनी पड़ेगी, बहुत हेक्टिक वाला काम है। तो मन में आ रहा है क्यों ना यहाँ से हिचाइक किया जाए। एग्जैक्टली भाई, अब हिचाइक ट्राई करेंगे, कोई हमें सिटी के अंदर कहीं छोड़ दे तो बस फिर हमारे लिए ईजी है, ट्राई करते हैं हिचाइक करने का। यकटेरिनबर्ग सिटी में कहीं भी छोड़ दे, वहाँ से फिर तो कहीं से कहीं भी जाना बहुत आसान है। भाई गाड़ियों की स्पीड देख रहे हैं आप लोग, गाड़ियों की स्पीड गजब की है यहाँ पे। गाड़ियों की स्पीड देखो यार, क्या तेज़ स्पीड है यहाँ पे। गलती से भी नीचे आ गए ना, पता नहीं चले कहाँ गए। What
पता था यार। अभी हम लोग बस में हैं, हम लोगों ने 10-15 मिनट हिचाई का वेट किया, उससे पहले ये बस आ गई थी। हम सोचे पता नहीं हिचाई मिले ना मिले, लेट मिले ना मिले, क्योंकि दो लोग हैं और कोई प्रॉपर स्टॉप भी नहीं था, तो दो गाड़ी रोक नहीं पा रहे थे। और आज हमारा मेन पर्पज साइट सीइंग करवाने का है, आपको दिखाने का है। टाइम भी बहुत कम था, हिचाई पता नहीं कितना टाइम लगे, इसलिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। अगर टाइम बहुत होता तो 1-2 घंटे वेट कर सकते थे। तो 15 मिनट में ये बस आ गई, हम बस ने वहाँ रोक भी लिया अपने आप, क्योंकि बस का स्टॉप था वो, हम लोगों ने बस ले लिया। सिर्फ 50 रुपये की बस मिली है, आने के लगे थे 70 रुपये, लेकिन जाने के लगे थे 50 रुपये। ये बड़ी बस है, वो मशरूत का थी। हाँ, वो मशरूत का थी, थोड़ा डिफरेंस। इस बस का इंटीरियर देख लग नहीं था कि हम लोग रशिया में, इंडिया किस बस में ट्रैवल कर रहे थे। करो ये डिज़ाइन देखो सब, क्या झूसर झावर यहाँ पे लटका हुआ है, ये सब देखो डिज़ाइन, लग रहा है रशिया में हो। पूरी बस भी खाली है। सो गाइस, हम लोग यकटेरिनबर्ग बार सिटी पहुंच चुके हैं। बस ने हम लोगों को सिटी सेंटर पर उतार दिया था। अभी हम लोग एक चर्च आए हुए हैं, बहुत फेमस चर्च है, ना ही सिर्फ यकटेरिनबर्ग में बल्कि पूरे रशिया में। इस चर्च के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, बहुत स्पेशल चर्च है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चर्च है आप लोगों को जानने के लिए। इस चर्च का नाम है चर्च ऑन ब्लड। इस चर्च का नाम चर्च ऑन ब्लड इसलिए क्योंकि इस जगह पे जहाँ पर चर्च लोकेटेड है, रशिया के लास्ट रॉयल फैमिली को और उसके पूरे फैमिली मेंबर को एग्जीक्यूट किया गया था ईयर 1918 में। जो रशिया की लास्ट रॉयल फैमिली थी, उनको उनके पूरे मेंबर को उनके मेन किंगडम से उठा के यहाँ यकटेरिनबर्ग भेजा गया था, जहाँ पर ये जगह है, जहाँ पर चर्च है। उनको एज अ प्रिजनर यहाँ पर रखा गया था इस स्पॉट पे। उसके बाद उनको और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो उस जगह पे ये चर्च बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है चर्च ऑन ब्लड। ये 2003 में ओपन हुआ था, यानी कि उनके एग्जीक्यूशन के 85 ईयर्स के बाद। और बहुत प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है ये, आप देख सकते हो कितना सादा, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत चर्च है ये। एग्जैक्टली इस जगह पे, इस स्पॉट पे रशिया के लास्ट रॉयल फैमिली को एज अ प्रिजनर यहाँ रखा गया था, उसके बाद यहाँ मार दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ये सब रशिया के रॉयल फैमिली के मेम्बर्स हैं, आप देख सकते हो उनकी फ़ोटो यहाँ पर आज भी है। इस चर्च के अंदर ये छोटा सा रूम है, आप देख सकते हो इसमें रशिया की लास्ट रॉयल फैमिली के बारे में सारी हिस्ट्री है, लेकिन सब कुछ रशियन में लिखा है तो पढ़ नहीं पाऊंगा मैं। देख सकते हो पूरी उनकी हिस्ट्री है विद फोटोग्राफ्स, विद ईच एंड एवरी इवेंट्स। तो यहाँ पर ये रशियन के लास्ट रॉयल फैमिली के सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, कुछ इस टाइप के उनके ड्रेसेस हुआ करते थे। तो आप लोगों ने जो अभी चर्च ऑन ब्लड चर्च देखा यकटेरिनबर्ग का, ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है। वैसे तो पूरे रशिया में बहुत सारे चर्च है जो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं, बट ये बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है, सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो हिस्ट्री है इसको अलग बनाती है, जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को दिखाया। अब चलते हैं अगली जगह पर जहाँ लोग जाने वाले हैं, पास में ही है, बाई वॉक दिखा रहा है 1 किलोमीटर, तो वॉक करके ही जाते हैं। तो यार अब हम लोग वॉक करके जा ही रहे हैं कीबोर्ड मॉन्यूमेंट के पास चर्च से। बहुत ही प्यारा शहर देख सकते हो, कितना खूबसूरत शहर है ये, हर तरफ बस प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। देखो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, एकदम एंटिक टाइप का लुक आ रहा है। हम लोग वॉक करके ऑलमोस्ट कीबोर्ड मॉन्यूमेंट के पास पहुंच चुके हैं, और साथ में ये कैनल बना हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साथ में वो वहाँ पे कीबोर्ड मॉन्यूमेंट जहाँ लोग जाने वाले हैं, कई सारे लोग कीबोर्ड पे वॉक कर रहे हैं। चल चलते हैं फिर उसके पास। तो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं कीबोर्ड मॉन्यूमेंट पे, जहाँ हम लोग आने वाले थे, ये जगह फाइनली आ चुकी है। देखो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये पूरा जमीन इन्होंने ये कीबोर्ड बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। वैसे तो कुछ खास स्पेशल जगह नहीं है, बट थोड़ी यूनिक टाइप की जगह है, क्योंकि नॉर्मल टाइप की जगह ही मिलती नहीं है देखने के लिए वर्ल्ड में। और इस कीबोर्ड मॉन्यूमेंट कीज पे आप देख सकते हो इंग्लिश तो लिखा ही, साथ में रशियन भी लिखा हुआ है। मैंने रशियन फोन और रशियन लैपटॉप में भी लिखा है, इंग्लिश का जो करस्पॉन्डेंट रशियन वर्ड होता है इन लोग सेम नहीं रहता, अलग रहता है। यानी कि अगर ए लिखा हुआ है इंग्लिश का, तो रशियन ए उसमें नहीं रहेगा, कुछ और वर्ड रहेगा, इनका कुछ अलग फॉर्मेट है। ये इंग्लिश का ए है, ये रशियन का एफ है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है। और यहाँ के लोकल लोग ऐसा बोलते हैं, अगर आप इसके ऊपर चल के अपनी विश को टाइप करने के बाद अगर आप एंटर पे पैर रख दोगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और लीड पे चढ़ोगे तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसा यहाँ पे लोग बिलीव करते हैं। भाई चढ़ जाएगा, ट्राई करते हैं, लाइफ चेंज तो करनी है भाई। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट इस पे चढ़ते हैं, कुछ खास विश नहीं है इसलिए विश तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ लाइफ चेंज जरूर करनी है तो इस पे जरूर चलूंगा मैं। कहीं ऐसा ना हो कि व्लॉगिंग छोड़ के जॉब करनी पड़ जाए। जो बस लाइफ में अच्छा हो, बेस्ट हो, बस यही चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और एक चीज़ और जो मेरे को आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग बताना चाहिए था, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, यकटेरिनबर्ग सिटी का नाम यकटेरिनबर्ग कैसे पड़ा। रशियन एम्पायर के बहुत बड़े रूलर थे पीटर द ग्रेट, तो उनकी वाइफ थी कैथरीन, उनका इंग्लिश नाम है कैथरीन और रशियन नाम है ई कैथरीन, तो उनके नाम पे, उनके ऑनर पे सिटी का नाम रखा गया है एक ई कैथरीनबर्ग। लोकल ई कैथरीनबर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में यकटेरिनबर्ग बोलते हैं।
तो पीटर द ग्रेट जो रशियन के बहुत ही बड़े एम्पायर थे, रूलर थे, उनके वाइफ के नाम पे इस शहर का नाम रखा गया है कैथरीन द ग्रेट के नाम पे, ई कैथरीनबर्ग। देखो ये लड़की अपनी विश टाइप कर रही है, ज़्यादा जाना है वहाँ वहाँ पे, बाकी सब पे पैर नहीं रख रही है। ये देखो आखिरी में एंटर पे जाके एंटर कर देगी तो उसकी विश पूरी हो जाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। पूरे यकटेरिनबर्ग सिटी में इतने सारे चर्च है, कैथेड्रल है, हम लोग जितना वॉक कर रहे हैं ना हर 200 मीटर पे कोई ना कोई कैथेड्रल आ रहा है। देखो एक कैथेड्रल ये आया हुआ है, उस साइड भी कोई ना कोई कैथेड्रल है। हम लोग जब से वॉक कर रहे हैं 3-4 किलोमीटर से कम 7-8 कैथेड्रल आए होंगे। हाँ बिल्कुल भाई, 7-8 सारे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं, सारे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल हैं। अभी भी हम लोग वॉक करके अपने होस्ट के घर जा रहा हूँ मैं, तो आई थिंक रास्ते में भी फिर से कम 3-4 कैथेड्रल दिखने वाले हैं। और हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में बहुत मंदिर हैं भाई, कभी रशिया हो यहाँ पे जितने चर्च दिखेंगे शायद उतने ही मंदिर होंगे इंडिया में। हर 200-300 मीटर पे कोई ना कोई चर्च कैथेड्रल दिख ही जा रहा है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, दिखना ही दिखना है। बिल्कुल, बहुत रिलीजियसली आई डोंट नो कितना लोग मानते हैं यहाँ पे, बट चर्च बहुत है।